नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड का। दोस्तों TTML का शेयर आज के दिन यानी 19 मई को 12 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड की बात की जाए तो यह टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसके जो फाउंडर हैं वे रतन टाटा जी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके प्रोडक्ट की बात की जाए जो यह प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है वे है फिक्स लाइन टेलीफोन, फिक्स लाइन इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल टेलीविजन नेटवर्क सर्विसेज। मेंबर्स की बात की जाए तो 45 मिलियन से भी ज्यादा इसके मेंबर्स हैं। डिविजन्स की बात की जाए तो इसका जो डिविजन्स है वे है लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, टेलीविजन। और दोस्तों ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, रतन टाटा जी की कंपनी है। सफ डायरीज की बात की जाए तो इसकी एक पॉपुलर सफ डायरीज भी है दोस्तों, वो है टाटा स्काई। टाटा स्काई का नाम तो दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। हर एक दूसरे घर में टाटा स्काई का कनेक्शन है और लोग इसको रिचार्ज करा के टीवी चैनल देखते हैं। तो दोस्तों काफी अच्छी कंपनी है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। इसका जो मार्केट कैप है वो 2.48 ट्रिलियन करोड़ का है जो कि काफी अच्छा है। और दोस्तों आने वाले समय में टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी आने वाले समय में इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और दोस्तों यह रतन टाटा जी की कंपनी है। टाटा ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं आप लोग देख सकते हैं कि इस समय आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स कुछ समय पहले दोस्तों 70 से 80 रुपए के बीच में आया था। वहां पे कंपनी के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन जी और टाटा सन्स ने पोजीशन बनाई थी और लगातार टाटा सन्स उसको मार्केट प्राइस पर परचेज करता रहा। सेम सिचुएशन दोस्तों टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड में है। आने वाले समय में दोस्तों टाटा सन्स और कंपनी के जो मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो इसको दोस्तों यहां से बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही दोस्तों टाटा सन्स इसको मार्केट प्राइस पर परचेज करना स्टार्ट कर देगा, इसका स्टॉक प्राइस यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि इसने हाई लगाया हुआ 57.30 रुपए का 2008 में। अभी ये काफी सस्ते रेट पर भी मिल रहा है और यहाँ पे बाउंस बैक का चार्ट पैटर्न भी बन रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास 74.36% की शेयर होल्डिंग है, पब्लिक के पास 25.64% की शेयर होल्डिंग है। डिलीवरीज की बात की जाए तो डिलीवरी 19 मई को 70.8% की हुई है, यानी कि आज 19 मई को 70.8% की डिलीवरी उठाई गई है जो कि काफी पॉजिटिव है दोस्तों। और आने वाले समय में इसका स्टॉक प्राइस एक लंबी छलांग लगा सकता है। आने वाले समय में टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड दोस्तों 5G सर्विसेज भी लॉन्च करेगा, नए नए प्रोडक्ट लेकर आएगा। टाटा स्काई की तरह ही और भी बहुत सारी सब डायरी इसमें आने वाले समय में ओपन की जा सकती हैं। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाई कीजिए। इसकी जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 4 से 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 4 से 5 सालों में यह स्टॉक 128 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।